पंडाल के जामबाद ओसीपी में हुए धसान के बाद बंद ओसीपी को पुनः चालू कराने को लेकर दो पक्षों में जमकर झड़प। इस दौरान वाहनों में आगजनी एवं बमबाजी किए जाने का आरोप है। इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अंडाल थाना और ईसीएल के काजोड़ा एरिया क्षेत्र के जामबाद ओसीपी के पास हुए धसान के बाद ओसीपी को चालू कराने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। झड़प को लेकर इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान वाहनों में आगजनी बमबाजी किए जाने का आरोप है। दरअसल पिछले दिनों जामबाद इलाके में भूधसान हुआ था और भूधसान से दहशत के कारण ग्रामीणों ने अपना घर बार छोड़कर एक पेड़ के नीचे शरण ली थी। ग्रामीणों ने पुनर्वास की मांग की थी और चेतावनी दी कि जब तक पुनर्वास नहीं हो जाता तब तक खनन बंद रहेगा, लेकिन बुधवार को अचानक खनन शुरू हो गया। महिलाओं का आरोप है कि वे जब पुनर्वास की मांग को लेकर इलाके के एक नेता के पास गईं तो उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। इस खबर की जानकारी लगते ही बावड़ीपाड़ा के लगभग सभी लोग सड़क पर जमा हो गए। उनका आरोप है कि क्षेत्र के तृणमूल नेता ग्रामीणों की परवाह किए बिना खनन अधिकारियों की मदद कर रहे हैं। मौके पर एक बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। घटना में स्थानीय सीपीएम नेता जयंत राय को गंभीर चोटें आई हैं। ग्रामीणों ने जयंत के नेतृत्व में जामबाद ओसीपी के करीब परासकोल मोड़ पर सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं टीएमसी का आरोप है कि ग्रामीणों ने खुद बवाल की शुरुआत की थी। जयंत राय ने ग्रामीणों को बहकाया है। घायल तृणमूल कांग्रेस समर्थक मोहम्मद जितेन अंसारी ने बताया कि ग्रामीणों ने उनके साथ और भी कई तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर हमला किया है। इस झड़प के दौरान जामबाद ओसीपी कार्यालय के समक्ष खड़ी दो बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में व्यापक संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। अंडाल से अनिल प्रसाद की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।